जन्मदिन पर वितरण किया गया कंबल और मिठाई। जी हाँ, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में अंबेडकर चौराहे पर सिटी पैलेस के मालिक अमरेंद्र सिंह जी ने अपने जन्मदिन को एक अलग तरीके से मनाया। मन से सेवा भाव की भावना लिए अपने जन्मदिन पर गरीबों के बीच में रहकर उन्हें उपहार देकर मनाया। बीते कल शाम को वृद्धा आश्रम, रोडवेज बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल, गरीब बस्तियों, अनाथालय में जाकर गरीबों और जरूरतमंदों को कंबल और मिठाई बांटी। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। पर आकर के देखने से पता चला कि पता नहीं कितने वृद्धों को जीवन दान मिल रहा है। इतना अच्छा काम शायद ही कोई कर पाता। मैं उस पुण्यात्मा को जिन्होंने बनवाया लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ। उनकी आत्मा जहाँ भी हो, जैसे भी है, भगवान उनको शांति दे, उनको और उनके परिवार को समृद्धि दे, और ऐसे अच्छे काम करने के लिए लोग प्रेरित हो। क्योंकि यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि कितने वृद्ध जो कि उनके बच्चे छोड़ चुके हैं, उनकी यहाँ बहुत अच्छी देखभाल हो रही है। उनको चारपाई मिली हुई है, उनको बिस्तर मिला हुआ है, उनको पीने के लिए यहाँ शुद्ध पानी मिल रहा है, बैठने के लिए यहाँ पर कुर्सी मिली है, ओढ़ने के लिए बिस्तर मिला है, खाने का दोनों टाइम इंतज़ाम है। ये इतना अच्छा काम है कि आदमी जीवन भर भी करे तो कम है। ये ऐसा काम है कि हर आदमी को अपने जीवन में कुछ दिन के लिए ज़रूर करना चाहिए। और हम तो उस विचार को अच्छा मानते हैं जो अभी मैं थोड़े दिन पहले सुना। क्या सुना? कि अभी वहाँ पर कुंडली में चारों तरफ ये जितने हमारे किसान भाई हैं वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आपका ये काम कैसे चलता है? कहा मेरा काम बहुत अच्छा चलता है। हम पूरे साल कमाते हैं, उसमें से 10% अलग निकाल के रखते हैं। जो हम 10% निकाले हुए हैं उसी खर्चे से हम लोग यहाँ 6 महीने खाना खा सकते हैं, साल भर खाना खा सकते हैं। हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई भार नहीं पड़ेगा। वैसे मैं चाहता हूँ कि हर आदमी अपने जीवन में 5%, 2%, 10% पैसा निकाल करके इन वृद्धों के लिए लगाए। हमारा भी जीवन सफल होगा, हमारे बच्चों का भी जीवन सफल होगा, हमारे देश का जीवन सफल होगा, सबका जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने देश के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने प्रतापगढ़ के लिए, सबके लिए शुभकामना देता हूँ। जय हिंद।